वेलकम बैक टू माई कासम खास चैनल। दोस्तों, कभी आपने फेरी में ट्रेवल किया है? मैंने तो दो तीन बार किया है, लेकिन आज जिस फेरी में मैं जा रही हूँ वो थोड़ा खास है। खास वो इसलिए है क्योंकि वो रोरो फेरी है, जिसे कहा जाता है एम टू एम फेरी, जिसका मतलब होता है मुंबई टू मांडवा तक की जाने की फेरी। तो ये जो फेरी स्टार्ट होती है ना, वो मुंबई के वाफ फेरी से स्टार्ट होती है। ये वहाँ का पोर्ट है और इसी जगह को बाउचा ढक्का भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक फ़िश का बहुत बड़ा सप्लाई मार्केट है। मतलब मुंबई की ज़्यादातर फिशेज यहीं से सप्लाई की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे हाथों में देखिए, ये है चार टिकट जो हमने ऑनलाइन बुक किया था। इसमें हमारी गाड़ी के साथ हम तीन लोग का भी टिकट शामिल है। ये है रिस्ट टैग जिसे हमें अपने हाथों में लगाना रहता है। तो ये तीन है, जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा है। तो दोस्तों, एम टू एम फेरी जो होती है ना, इसमें व्हीकल्स का भी चार्जेस लगता है। तो आपके पास अगर साइकिल हो, बाइक हो, कार हो या बस ही क्यों ना हो, इनके अलग अलग चार्जेस होते हैं। यहाँ पे ना गाड़ियों के साइज से भी पता चलता है कि आपकी गाड़ी पे कितना चार्ज लगेगा। जैसे हम टियागो लेके जा रहे हैं, तो हमारी जो इसमें चार्जेस हैं वो कुछ 1020 रुपीज लगा। तो इनके क्या क्या चार्जेस हैं वो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये है यहाँ का एसी वेटिंग रूम। यहाँ पे कुछ चेयर्स हैं, आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए चिल कर सकते हैं, जब तक आपकी फेरी नहीं आती है पोर्ट तक में। मैं आपको थोड़ा बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये यहाँ का ऐसा कुछ व्यू है। तो दोस्तों, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं ना, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ना, मैंने जैसे बताया कि ये पूरा फिश मार्केट है, तो थोड़ा स्मेल आएगा जो आपको शायद पसंद ना आए। कोशिश करिए अपने साथ हैंडकरचीफ या फिर मास्क लगा के रहे, तो आप लोग के लिए शायद दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, कभी अगर आपको भी यहाँ पे सफ़र करना हो ना मांडवा तक जाने के लिए, तो आप ना यहाँ इस टिकट काउंटर पे भी जाके टिकट बुक कर सकते हैं, और अदरवेज आप ऑनलाइन भी जाके यहाँ पे टिकट बुक कर सकते हैं, जो कि मैंने स्क्रीन पे बता दिया है। ऑनलाइन में ये फ़ायदा होता है कि आपको एटलीस्ट पता चल जाता है कि क्या क्या टाइमिंग्स हैं और कितनी सीट अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात है, इनका खुद का एक ऐप भी है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे तीन तरीके के डेक होते हैं, जिसमें एक कोशाक जोन होता है, दूसरा ऑक्टिवा डेक होता है और तीसरा होता है सुपर लाउंज। तो इनमें ना प्राइस के डिफरेंस होते हैं। जैसे कोशाक में 380 रुपीज़ पर हेड लगता है, और ऑक्टिवा में 460 रुपीज़ पर हेड लगता है, और लास्ट में जो सुपर लाउंज है उसमें 1500 रुपये लगता है। इनके कुछ डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, एक दिन में ये 3 से 4 ट्रिप भी लगाती हैं। इसकी टाइमिंग से लेकर जो चीज़ें होती हैं ना, वो आप वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप बुक कर सकते हैं टिकट। दोस्तों, ये है एम टू एम फेरी, और अब हम जा रहे हैं जल्दी से कार में, क्योंकि ये आ रही है पास में, पोर्ट के काफ़ी पास आ गई है। जल्दी से हम जाते हैं कार में, बैठते हैं और फिर इसका आगे का व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों, कोशिश करिए अगर आप कार से आ रहे हैं तो थोड़ा जल्दी ही आ जाइए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपकी गाड़ी सबसे आगे खड़ी हो जाती है और आप जल्दी से अपनी गाड़ी को शिप के अंदर लेके जा सकते हैं और सबसे आगे भी अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। फाइनली हमारी गाड़ी जा रही है अपने शिप के अंदर। ये है यहाँ की एंट्री, आप देख सकते हो साइड में, जो लोग गाड़ी से नहीं आए हैं उनका साइड में एक अलग पाथवे बना हुआ है, और ये हमारी गाड़ी जा रही है अंदर। वाह, क्या बड़ा है यार। तो ये है अंदर का व्यू। अगर आप गाड़ी के साथ नहीं आए हैं और आपके साथ में हैवी लगेज है, तो उसका भी यहाँ पे रखने का इंतज़ाम है। यहाँ पे एक लॉकर रूम है, आप अपने लगेज वहाँ पे रखिए, आपको एक टोकन मिलेगा, उसके बाद आपका लगेज यहाँ पे सेफली हैंडल में रहेगा। हाँ, अगर आपके साथ में पेट्स हैं तो उनके भी रखने की या रहने की सुविधा यहाँ पे है। बस उनके कुछ चार्जेस होंगे, जो कि आपको ऑनलाइन बुकिंग करते टाइम ही आपको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये है ऑक्टिवा डेक एरिया, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। हमने यहीं की टिकट बुक की थी। तो यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल ग्रासेस देखने को मिलेंगे, जो थोड़ा सा ग्रीनरी रिफ्रेश कराएंगे आपको, और साथ ही साथ यहाँ सोफे भी दिए हुए हैं। तो सोफे को हम शुरुआत में इतना एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत धूप पड़ रही थी, तो इसलिए हम लोग हाई चेयर पे आके बैठे थे। तो दोस्तों, इसकी एक और खासियत बताती हूँ कि ये जो रोरो फेरी है ना, इसमें एट अ टाइम 500 लोग भी बैठ सकते हैं, और साथ ही साथ 145 गाड़ियाँ यानी 145 व्हीकल्स को आप यहाँ पे इजीली पार्क कर सकते हैं। इसमें अंडरग्राउंड भी पार्किंग होती है अगर व्हीकल्स ज़्यादा होते हैं तो। अब दोस्तों, आपके मन में भी एक सवाल आया ही होगा, जैसे मेरे दिमाग में आया था, कि इसको रोरो फेरी क्यों बोला जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि रोरो मतलब होता है रो ऑन एंड रोल ऑफ, मतलब अपनी गाड़ियों को अंदर लगाकर इसको रोल ऑन कर सकते हैं, और जब ये शिप उस पोर्ट पे चली जाती
जाती है दूसरे पोर्ट तक में तो उसे रोल ऑफ कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है रो रो फेरी। और मालूम है दोस्तों, इस फेरी को लाया गया था ग्रीस से, जिसे मार्च 2020 में ही इंडिया में लाया गया था, बट ड्यू टू लॉकडाउन एंड कोरोना इसे बंद कर दिया गया था कुछ दिनों के लिए, पर अगस्त 2020 में इसको वापस से पैसेंजर के लिए स्टार्ट कर दिया गया था। अब मैं आपको फेरी के दूसरी तरफ लेके जाती हूँ, यानी बैक साइड में लेके जाती हूँ, पर इन बिटवीन हमें यहाँ पे मिलता है स्कोडा का सुपर्ब लाउंज। तो ये लाउंज ना फुल एसी होता है और इसमें खाने पीने की सारी व्यवस्था होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब आप फेरी में सफर कर रहे हो और सिर्फ एक घंटे की जर्नी हो तो हमें लगता है कि यार थोड़ा नेचर का भी मज़ा ले लेना चाहिए। एसी में तो बैठने को कुछ ऐसा मज़ा मिलता है नहीं। हाँ, अगर आपको थोड़ी गर्मी लग रही है तो थोड़ा सा आप थोड़ी देर के लिए नीचे एक एसी लॉन्ज है खाने पीने की, जहाँ पे व्यवस्था है, आप वहाँ पे जाके थोड़ा सा चिल कर सकते हैं। चलिए ये देखिए, ये है यहाँ का बैक साइड एरिया। ये बिल्कुल सामने फ्रंट जैसा ही दिखता है, वैसे ही सोफे, वैसे ही नीचे कारपेट ग्रीन कलर के, लेकिन थोड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ से आप देख सकते हो अभी भी गाड़ियाँ आ रही है, क्योंकि 3 नहीं बचे अभी तक। जैसे ही ये फेरी 3 बजे स्टार्ट होगी तो ये जो रैंप है ना, ये बंद हो जाता है। यहाँ पे 3 बज गए हैं और अभी ये रैंप पूरा क्लोज हो गया है, पूरी गाड़ियाँ अंदर पार्क हो गई हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पीछे ना बार की, लाइव बार की व्यवस्था भी है। मतलब अगर आपको ड्रिंकिंग का मन है तो आप यहाँ पे ड्रिंक आराम से कर सकते हैं, पर ये थोड़े चार्जेबल्स तो होते ही हैं। फेरी का हमने बैक साइड का मज़ा ले लिया है, अब हम आगे चलते हैं जो कि है अपर डेक की तरफ, जिसका नाम है कोशाक डेक। तो यहाँ कुछ इस तरीके से नज़ारा मिलता है, यहाँ पे वाइट कलर की चेयर्स इस तरीके से ओपन होती हैं और शेड भी है, तो धूप लगना इतना यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। बहरहाल यहाँ पर ना सबसे अच्छा मज़ा क्या आता है ना दोस्तों, यहाँ पे आप सामने सामने समुद्र देख सकते हैं, तो आप इस चीज़ को अगर इन्जॉय करने आए हो तो फिर ये तो सबसे बेस्ट प्लेस होगी बैठने के लिए। हाँ, थोड़ी सी गर्मी ज़रूर लगेगी, तो आप ना एसी लॉन में थोड़ी देर के लिए जाके चिल कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये है यहाँ का पूरा पार्किंग एरिया, और यहाँ देखिए किस तरीके से गाड़ी पार्क की गई है। इन गाड़ियों को इस तरीके से पार्क किया गया है कि कोई भी गाड़ी एक दूसरे से टकराए ना, ना इनके बीच में स्क्रैचेस आए। तो दोस्तों, इस फेरी में जहाँ पे कार पार्क है उसके जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ रेक्टेंगुलर शेप में जो वैसे कैबिनेट्स बने हुए हैं, ये एक्चुअली एसी के लाउंज है जहाँ पे खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, और उसी के ऊपर है ऑप्टिवा डेक जहाँ पे हमने टिकट बुक की थी, और उसी के पीछे सुपर लाउंज भी है, और उसके सबसे ऊपर है कैप्टन का जो कॉकपिट एरिया है वो है। तो ये है यहाँ की मस्त नज़ारे, जो कि अगर आप चाहते हैं कि कभी आपको अगर समुद्र में ना इस तरीके से इंजॉय करना है तो आप फेरी राइड्स पे जाएंगे ना, मज़ा आएगा। लेकिन इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, पर फिलहाल आप इसका मजा लीजिए। चलिए अब मैं आपको लेके जाती हूँ एसी लाउंज के अंदर, जहाँ पर खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती है। तो ये देखिए, ये है कोशाक जोन, और इस जोन में आप देख सकते हैं अच्छे खासे सोफे रखे हुए हैं, और सबसे अच्छे ना मुझे यहाँ की लाइटिंग्स बहुत पसंद आई, बहुत ही मस्त मज़ा आया। और सबसे अच्छा है ना, यहाँ पे बैठने की अच्छी खासी व्यवस्था है, और साथ ही साथ वॉशरूम्स भी इसमें दिए हुए हैं। जेंट्स का वॉशरूम बाहर है और लेडीज़ का वॉशरूम अंदर है, वो मैं आपको बाद में चल के दिखाती हूँ। फिलहाल ये जो है, ये है काउंटर एरिया जहाँ पर आप अपने खाने पीने की चीज़ें बुक कर सकते। तो जब हम इस काउंटर पे पहुंचे तो हमने देखा यार रेट्स तो बहुत ज़्यादा हाई फाई है, मतलब एक समोसे की वैल्यू 100 रुपये, और चाय वगैरह अगर आप कुछ भी ऑर्डर करते हो तो 200-250, ये तो वहाँ के रेट्स थे। तो मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो दैट्स ओके, बट मुझे लगा कि ये थोड़ा सा कम होना चाहिए एज इट इज़, क्योंकि ये कोशाक जोन है तो उस हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव था। मेरे बच्चे ने यहाँ पर मफिन्स भी लिया, अब मैं बताऊँ ये सिंपल प्लेन मफिन जो था ना वो 250 रुपये का था। तो इमेजिन फ्रेंड्स, यहाँ इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई ये फेरी है और इसका एक प्राइस अलग होता है। एनीवेज, अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है, और मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ के वॉशरूम एरिया में। तो दोस्तों, वॉशरूम में कुछ इस तरीके से नज़ारा मिलता है कि ये आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा ग्लास है जिससे आप सी का पूरा व्यू ले सकते हैं, और साथ में साथ इनका जो वॉशरूम एरिया है वो भी अच्छा नीट एंड क्लीन है। टाइमली यहाँ के जो स्टाफ है उनको क्लीन करते रहते हैं, और साथ अगर आपके कोई छोटे बच्चे हैं ना जिनका नैपी चेंज करना हो तो उसकी भी यहाँ पे एक कोने में व्यवस्था की गई है। चलिए मैं आपको अब बाहर की तरफ लेके चलती हूँ। तो ये लाउंज जो है ना काफ़ी अट्रैक्टिव है और मस्त दिखता है,
तो यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए चिल कर सकते हैं, और अपना खाने पीने का अगर आपका मन है तो आप यहाँ पे भी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। एनीवेज ये हमारे डेक पे भी अवेलेबल था, पर हम यहाँ पे आके इसका व्यू लेना चाहते थे। सो फूड वॉज वेरी गुड और टेस्टी भी था। लेकिन अगर आप चाहो तो अपने घर से भी आप खाने की पीने की चीज़ें ला सकते हो, बट हाँ आप उसको लाउंज एरिया में जाके मत खाना, डेक एरिया पे खाना, क्योंकि टिकट में क्लियरली मेंशन होता है कि आउटसाइड फूड आर नॉट अलाउड। सच बाहर कोई चेक करता नहीं है, इसलिए कोशिश करिएगा कि डेक एरिया में खाएं तो बेस्ट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, क्योंकि अब हम पहुँच चुके हैं मांडवा के पोर्ट तक, और अब हम जा रहे हैं अपने पार्किंग एरिया की तरफ में जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो रैंप है अभी फ़िलहाल क्लोज्ड है, और इसके सामने सारी बाइक्स हैं और इनके पीछे सारी कार्स हैं, और सारे लोग अभी अपने अपने गाड़ी में बैठ रहे हैं, क्योंकि 5 मिनट में ये पोर्ट में पहुँच जाएगा और उसके बाद फिर ये जल्दी से रैंप जैसे ही ऑन होगा हमें अपनी गाड़ी को बाहर आगे की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम ही अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे हैं, और क्योंकि अब ये जो रैंप है ये खुल गया है, और हमारे जो आगे के धुरंधर है ना बाइक सवार, वो सबसे पहले आगे निकलेंगे, उसके बाद हमारी गाड़ी जाएगी। तो दोस्तों अगर आप अपनी गाड़ी से नहीं आए हैं तो बग्गी की भी फैसिलिटी मिलती है, तो जो आपके साथ ओल्ड एजड लोग हैं ना उनके लिए भी ये फैसिलिटी काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है जैसे ये जा रही है। तो दोस्तों चलिए अब मैं इनके प्रो एंड कॉन्स के बारे में बताती हूँ। इज इट वर्थ टू टेकिंग फेरी फ्रॉम मुंबई टू मांडवा? तो मैं बताती हूँ दोस्तों, अगर आपके पास में गाड़ी है और आप जाना चाहते हो मुंबई से मांडवा तक के लिए, तो 1 घंटे में फेरी से सफ़र करना तो बस बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन तभी अच्छा है जब आप मुंबई के उस पोर्ट के आसपास में ही रहते हैं। लेकिन अगर आप जैसे नवी मुंबई या थाना उस तरफ के एरिया में रहते हैं तो बाई रोड जाना ज़्यादा फिजिबल होगा, क्योंकि ना टाइम डिस्टेंस दोनों मैटर करता है, बहुत जल्दी आप पहुंच सकते हैं अलीबाग की तरफ। हालांकि हमें इसका एक्सपीरियंस लेना था इसलिए हम थोड़ा घूम कर आए, और हमारा कुछ 4 घंटे इसी में आने जाने में लग गया, अदरवाइज हम लोग अलीबाग शायद 2 घंटे पहले ही पहुंच गए होते। तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ से भी कुछ फेरीज चलती हैं, वहाँ से भी कुछ फेरीज जाती हैं अलीबाग की तरफ, तो अगर आपको अलीबाग ही जाना है तो आप ना वहाँ से भी फेरीज ले सकते हैं। अभी ये वाली जो फेरी होती है M2M वाली, ये जाती है मुंबई टू मांडवा, और मांडवा से अलीबाग का जो डिफरेंस है ना वो 18-20 किलोमीटर का है, तो वहाँ पर थोड़ा टाइम भी सेव हो जाता है। तो अगर आपको सनसेट का मज़ा लेना है बीच के पास में तो थोड़ा कोशिश करिए और जल्दी निकलने की, सुबह या दोपहर तक में। 3 बजे वाला जो टाइमिंग है ना उसमें आप सनसेट उतना मज़ा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पहुंचते हुए 4-5 तो बज ही जाएगा, और उसके बाद आप अगर कहीं किसी होटल या रूम में रहेंगे तो थोड़ा सा आप चाहेंगे ना थोड़ा रेस्ट कर लें उसके बाद ही आप सनसेट देखें, तो आई थिंक वो आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए कोशिश करिए थोड़ा जल्दी और निकलने की। तो दोस्तों जब भी हम सफ़र करते हैं तो थोड़ी बहुत मंचिंग या खाने पीने का तो मन कर ही जाता है, बहरहाल वो आधे घंटे का ही सफ़र या 1 घंटे का क्यों ना हो। तो इस फेरी में वो तो अच्छा मज़ा मिला हमें खाने पीने का, लेकिन थोड़ा सा यहाँ का रेट एक्सपेंसिव लगा, ऑल्दो बाकी फेरीज जो हैं उसमें इतनी चीज़ें तो नहीं मिलती हैं, बट ठीक है एक्सपीरियंस वॉज गुड इन दिस फेरी। हे फ्रेंड्स, तो हमारा जो सफ़र था M2M फेरीज में बहुत बढ़िया रहा, हम 1 घंटे में ईजिली आराम से 1 घंटे में पहुंच गए अलीबाग, और ये सफ़र बहुत अच्छा था। मुझे लगता है एक बार मुंबई अगर आप आते हो तो इसका भी एक बार मज़ा लेना चाहिए। कि सारी डिटेल्स मैं आपको इसके वेबसाइट में ही है, तो मैं उसका लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जो यूट्यूब में रहेगा। और साथ ही साथ अभी हम जा रहे हैं होटल जो कि है नायगांव में, जिसका नाम है व्हाइट हाउस रिजॉर्ट, तो उसका व्यू मैं आपको आगे दिखाऊंगी और उसका एक अलग ब्लॉग बना दूंगा। तो मिलते हैं मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।